नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह काफी तेज हो जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना दोनों ही हानिकारक होता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से अपने पैर की अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास होते हैं इन्हें करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से भी रख सकते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 to 10 times प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे सुप्तबद्ध कोणासना। इसे करने के लिए ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पैल्विक एरिया के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही सुप्तबद्ध कोणासना की पोजीशन पर रहे। यह अभ्यास तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करता है और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही से अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। शशांक आसन एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध जैसी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों जिन लोगों को यह समस्याएं होती हैं उन लोगों को अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इस शशांक आसन की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों घुटनों को आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही शशांक आसन की पोजिशन पर रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही शशांक आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए ऐसे ही वज्रासना पर आपने बैठ जाना है। अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखना है। ऐसे शशांक आसन की पोजिशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रख लीजिए और आपकी पीठ इस स्थिति में ऐसे राउंड शेप में रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह अभ्यास हमारे शरीर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव छोड़ रहा है और इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। फिर ऐसे या फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने पंजों के पास रख सकते हैं।
यह अभ्यास को करने से हमारे पूरा शरीर रिलैक्स होता है, हमारा शरीर काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। दोस्तों जब भी आपको क्रोध आए या चिड़चिड़ापन, मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाए, आप इस शशांक आसन को 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे दिल की धड़कनों को सामान्य करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, श्वास को रोक कर रखें और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आना है, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, 10 सेकंड होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 20 से 25 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।